पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज राज्यसभा में जवाब देंगे। बुधवार को लोकसभा में अभिभाषण पर हुई चर्चा के जवाब के दौरान पीएम ने कांग्रेस, राहुल और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में पीएम मोदी ने शायराना अंदाज में कांग्रेस का नाम दिए बिना कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनको वापसी की गलत फहमी। पीएम मोदी ने विपक्षी एकता पर भी तंज कसा, कहा जो काम मतदाता नहीं कर पाए वो ईडी ने कर दिया। ईडी की वजह से विपक्ष में एकता दिख रही है। देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। लोकसभा में पीएम यूपीए के 2004 से 2014 तक के शासनकाल को लास्ट ऑफ डिकेड बताया। मोदी ने कहा कि यूपीए सरकार में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और आतंकवाद चरम पर था। पीएम मोदी ने तंज कसते हुए कहा कांग्रेस की बर्बादी पर अध्ययन होना ही है। हॉवर्ड में कांग्रेस के पतन की स्टडी हुई। मोदी ने कहा कि पांव के नीचे जमीन नहीं, फिर भी यकीन। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता था देश की जनता देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। ईडी ने एक लोगों को एक मंच पर ला दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी पीएम मोदी ने तंज कसा। प्रधानमंत्री ने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने का जिक्र करते हुए कहा कि हमने पिछली शताब्दी में तब तिरंगा फहराया था जब आतंकवाद चरम पर था। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे उस समय, और कहा था देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। लोकसभा में पीएम मोदी के 88 मिनट के संबोधन में एक बार फिर अडानी या उनसे जुड़े विवाद का जिक्र नहीं किया। राहुल के पूछे 7 सवालों पर भी पीएम मोदी पूरी तरह कन्नी काट गए। पीएम मोदी के जवाब पर राहुल ने चुटीले अंदाज में समर्थन किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि उनके भाषण में सच्चाई है, अगर मित्र नहीं है तो जांच कराने की बात क्यों नहीं की। इंक्वायरी की बात नहीं हुई, अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा, थोड़ा पीछे करो ना। इंक्वायरी की बात नहीं हुई, प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, चेक कराएंगे क्या है इसमें, बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमारी किसी से निजी दुश्मनी नहीं, लेकिन भारत के लोगों का पैसा जिस कंपनी को दिया गया उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रधानमंत्री के भाषण पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि पीएम ने भाषण अच्छा दिया लेकिन विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि भारत मजबूत हुआ है, ऐसा तो मैं नहीं कहता लेकिन देश की स्थिति दुनिया से पहले से बेहतर हुई है, इसमें कोई शक नहीं। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा कुछ सांसद सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं, पीएम चाहे तो रोक सकते हैं। अडानी के मुद्दे पर भी खड़गे का सरकार पर हमला, कहा सिर्फ एक उद्योगपति की संपत्ति इतनी कैसे बढ़ी, जेपीसी जांच होनी चाहिए। खड़गे ने कहा अचानक ऐसा क्या जादू हुआ कि 2 साल में 12 लाख करोड़ बढ़ गई संपत्ति, हिंडनबर्ग के रिपोर्ट को बीजेपी नहीं मानती। खड़गे के बयान पर राज्यसभा में विपक्ष का जवाब, पीयूष गोयल बोले किसी निजी व्यक्ति के मुद्दे पर नहीं होती जेपीसी की जांच। खड़गे को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब, कहा प्रधानमंत्री पर बेबुनियाद आरोप लगाना सही नहीं। लोकसभा में बोले एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, मुसलमानों के साथ हर स्तर पर भेदभाव हो रहा। ओवैसी ने कहा हरे रंग से मुसलमानों को जोड़ा जाता है, क्या मोदी सरकार तिरंगे से हरा रंग हटा देगी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुरुग्राम के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति घोड़ा कला में ओम शांति रिट्रीट सेंटर में एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी 10 फरवरी को यूपी और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एमसीडी मेयर चुनाव पर एलजी और दिल्ली सरकार को दिया नोटिस। 13 फरवरी को कोर्ट करेगा सुनवाई। दिल्ली नेताओं और अफसरों की जासूसी के मामले में गिरी केजरीवाल सरकार। सीबीआई जांच में सही पाए गए जासूसी के आरोप। जासूसी कांड पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का हमला। कहा, छिपकर बातें सुन रही है आप। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के तेवर अब नरम पड़े। कहा, मैं पार्टी हूं और चाहता हूं कि वो मजबूत हो। केंद्रीय मंत्री आरएलजेपी अध्यक्ष पशुपतिनाथ पारस ने चिराग पासवान को आड़े हाथों लिया। चिराग से किसी तरह के सियासी संबंध से इनकार करते हुए पशुपति ने कहा कि हम एनडीए के घटक दल बिना सहमति नहीं लड़ेंगे, ना कलेंडर चुनाव। सिंगापुर से इलाज कराकर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद शुक्रवार को बिहार लौट रहे हैं। लालू 25 फरवरी को पूर्णिया में महागठबंधन की साझा रैली में शिरकत कर सकते हैं। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा अगरतला में दोपहर 12:30 बजे मैनिफेस्टो जारी करेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा, इनका साल 2022 कभी नहीं आएगा जिसमें किसानों की आय दोगुनी करने के दावे किए गए थे। जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। अतिक्रमण अभियान के खिलाफ सड़क पर उतरी महबूबा को पुलिस ने हिरासत में लिया। राजस्थान के जयपुर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन के साथ बुधवार को अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में दर्शन किए। संसद के बाहर विपक्ष के सांसदों का प्रदर्शन जारी। अडानी मामले में जेपीसी जांच की मांग पर अड़ा विपक्ष। दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीआरएस और उद्धव गुट के सांसदों ने अडानी विवाद पर गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस ने एसबीआई बिल्डिंग के पास अडानी के खिलाफ किया प्रदर्शन। बैनर पोस्टर लेकर लगाए नारे, स्टॉप एसबीआई लूट। केरल के कोची में कांग्रेस ने यूनियन बजट 2023-24 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन से पानी की बौछारें की। संसद में नीले रंग की खास जैकेट पहनकर पहुंचे पीएम मोदी। ये जैकेट प्लास्टिक की बोतलों पेट से बनी है। जैकेट के बोतलों को रिसाइकिल कर बनाया गया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने पीएम को बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक में भेंट की थी ये जैकेट। 10 करोड़ की बोतलों को रिसाइकिल करने का लक्ष्य रखा गया है। नितिन गडकरी ने कहा, हमने गृहमंत्री अमित शाह से रिक्वेस्ट की है कि अर्धसैनिक बलों को रिसाइकिल प्लास्टिक से बने जैकेट पहनाने की इजाजत दें। रिसाइकिल प्लास्टिक से बनी पीएम मोदी की जैकेट और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के महंगे मफलर को लेकर बीजेपी ने तंज कसा। पार्टी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष का मफलर 56,000 का है। आदित्य ठाकरे की शिव संवाद यात्रा के दौरान हुआ जमकर हंगामा। सभा के दौरान गाड़ी पर फेंके गए पत्थर। कुछ लोगों ने आदित्य ठाकरे की कार को रोकने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि औरंगाबाद में रमाबाई जयंती के पूर्व नियोजित जुलूस निकाला जा रहा था और वहीं राज ठाकरे की सभा भी थी। सभा की वजह से जुलूस का डीजे बंद कराने को लेकर लोग भड़क गए। आदित्य ठाकरे ने पूरी सुरक्षा के बीच अपना भाषण खत्म किया। बैठक के बाद जुलूस में शामिल आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने आदित्य ठाकरे का विरोध किया। शिवसेना नेता अब्दास दानवे ने आरोप लगाया कि ठाकरे की कार पर हमला शिवसेना से अलग हुए गुट शिंदे के कार्यकर्ताओं ने किया था। यूपी में सोशल मीडिया पॉलिसी 2023 जारी कर दी गई है। नई पॉलिसी के तहत ड्यूटी पर पुलिसकर्मियों के रील बनाने पर रोक लगी। पर्सनल लॉ बोर्ड ने मस्जिदों में महिलाओं की एंट्री पर रोक से इनकार किया। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा गया था कि मस्जिदों में महिलाओं के जाने पर कोई रोक नहीं। तुर्की सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 15,000 के करीब पहुंची। वहीं सोमवार को विनाशकारी भूकंप से 40,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए।
तुर्की और सीरिया में भूकंप से हालात बदतर, हर दिन बढ़ रहा मृतकों की संख्या का आंकड़ा। तुर्की में भूकंप प्रभावित इलाकों में फंसे 10 भारतीय सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा, दुर्भाग्य से एक भारतीय लापता है। भूकंप से बर्बाद हुए तुर्की सीरिया में भारत लगातार मदद की खेप भेज रहा है। बुधवार को भी बचावकर्मी, राहत सामग्री, राशन और जरूरी दवाओं की खेप भेजी गई। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से भारतीय वायुसेना C-17 ग्लोब मास्टर विमान को चिकित्सा, राशन, राहत उपकरणों और एनडीआरएफ टीम के साथ तुर्की के लिए रवाना किया गया। जो भूकंप हुआ है उसमें अफेक्टेड लोगों के लिए भारत ने 4 टीम ऑलरेडी भेज चुका है। तुर्की में भारी बर्फबारी और बारिश की वजह से भूकंप राहत और बचाव अभियान प्रभावित हुआ है। इमरजेंसी सर्विसेज की टीमों को रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। भूकंप के एपिसेंटर वाले गाजियाबाद शहर के लोगों तक मदद पहुंचाने में दिक्कत हो रही है। खंडर बन चुके शहर के लोगों का तबाही के 2 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें मदद का इंतजार है। तुर्की में 8,000 से ज्यादा लोगों को मलबे से जिंदा निकाला गया। 60,000 से ज्यादा बचावकर्मी दिन रात मलबा हटाने और फंसे लोगों को निकालने में जुटे हैं। वैलेंटाइन के मौके पर बिहार की बेरोजगार लड़की ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेटर लिखा। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है लेटर। लड़की ने तेजस्वी से कहा, आपने तो अपनी लव मैरिज कर ली लेकिन हमारे लव पर बेरोजगारी का अड़चन है। अफेयर के उम्र में करंट अफेयर पड़ रहे हैं। कृष्ण प्रेम के रंग में रंगे बिहार सरकार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव। पूजा करते तेज प्रताप यादव का वीडियो सामने आया। तेज प्रताप यादव भगवान कृष्ण की मूर्ति को हाथ में लेकर एक मंच पर चढ़ते हैं और फिर मूर्ति को स्थापित करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं और आरती उतारते हैं। गाजियाबाद में बुधवार को कोर्ट परिसर में घुसा तेंदुआ। तेंदुए के हमले में 5 लोग जख्मी। कचहरी में मची अफरा तफरी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। मरने वालों में 3 बच्चों सहित पति पत्नी शामिल। हरियाणा के गुरुग्राम में 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ हैवानियत। बच्चे की देखभाल के लिए रखी गई नाबालिग बच्ची को टॉर्चर करने वाले दंपति गिरफ्तार। इंदौर में शादी से इनकार करने पर प्रेमी ने प्रेमिका पर फायरिंग की। घटना में प्रेमिका मोनिका यादव के सहकर्मी दोस्त संस्कार वर्मा की मौत हुई। बिहार के मुजफ्फरपुर में टला बड़ा रेल हादसा। रामदयालु रेलवे गुमटी के पास अवध असम ट्रेन में लगी आग। भारत के एनएसए अनीश डोभाल ने मॉस्को में अफगानिस्तान के मुद्दे पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में शिरकत की। डोभाल ने कहा, अफगानी लोगों की भलाई और मानवीय जरूरतें भारत की प्राथमिकता। अमेरिका ने रूस से तेल खरीद रहे भारत पर कोई प्रतिबंध लगाने से फिर इनकार किया। यूएस फॉरेन मिनिस्ट्री के असिस्टेंट सेक्रेटरी ने कहा कि भारत के साथ हमारे संबंध मजबूत हैं। ऑस्ट्रेलिया में 2 साल पहले एक भारतीय मूल की लड़की की हुई हत्या मामले का खुलासा हुआ। हत्या आरोपी भारतीय मूल के बॉयफ्रेंड ने कबूल किया गुनाह। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने परमाणु बम की गीदड़ भभकी दी है। पीओके में कार्यक्रम में बोलते हुए शहबाज ने कहा कि हम परमाणु संपन्न हैं और बुरी नजर डालने वालों को पैरों तले कुचलने का दम रखते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के प्रति उगला जहर। पीटीआई प्रमुख ने कहा, जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 की पुनर्बहाली से बिना भारत से संबंध सामान्य नहीं हो सकते। इमरान ने दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत को सराहा। इमरान ने कहा, भारत इसलिए दिनों दिन मजबूत हो रहा है क्योंकि वहां कानून का राज है। तुर्की में भूकंप की तबाही के बीच भूकंप टैक्स को लेकर घिरी एर्दोगान सरकार। लोग पूछ रहे हैं, भूकंप टैक्स के नाम पर वसूले का 88 अरब लीरा का फंड कहां गया। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग को 36 दिनों बाद किसी पब्लिक इवेंट में देखा गया। किम के सार्वजनिक जगहों पर ना देखे जाने को उनकी बीमारी से जोड़कर देखा जा रहा था। चीन ने 10 लाख तिब्बती बच्चों को उनके परिवारों से अलग कर दिया। मानवाधिकार विशेषज्ञों का आरोप है कि तिब्बती बच्चों को जबरन सरकारी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने पर मजबूर किया जा रहा है। विमेंस प्रीमियर लीग के पहले सीजन के लिए 13 फरवरी को 409 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी। इनमें 15 देशों के खिलाड़ी शामिल हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का ट्रैक्टर चलाते वीडियो वायरल हुआ। धोनी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला वीडियो। जैसलमेर में शादी के बंधन में बंधने के बाद दिल्ली लौटे सिद्धार्थ और कियारा। शादी के बाद ससुराल पहुंच कियारा रेड अनारकली सूट में क्यूट दिखी।
ससुराल में नई नवेली दुल्हन कियारा का हुआ जोरदार स्वागत। लाल अनारकली सूट और मैचिंग इयररिंग्स के साथ कियारा ने मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहना था। सिद्धार्थ और कियारा की शादी के बाद कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया के जरिए कपल को बधाई दी। आलिया भट्ट, रामचरण, कैटरीना ने सोशल मीडिया पर जम बधाई दी। सिद्धार्थ और कियारा आडवाणी की शादी से मेहमानों का घर वापस जाने का सिलसिला शुरू। शाहिद कपूर, मीरा राजपूत मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए। फिल्म निर्माता रमेश तौरानी की बेटी रवीना तौरानी के शादी के फंक्शन में फिल्म सितारों ने शिरकत की। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फिल्म शहजादा का वीटीएस डाला है। कार्तिक आर्यन के साथ कोल्ड ड्रिंक पीते और मस्ती करते नजर आए।